हले हले जयकारा पंजा पीरां दा बोल सच्चे दरबार की जयकारा सच्ची सरकार दा बोल सच्चे दरबार की परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी पंडाल दे विच पहुंची हुई समूह संगतां नूं अज दे इस खुशी दे मौके दियां अज दे इस मेले दियां साडे पूरे ही म्यूजिकल परिवार वल्लों यानी कि सुखा राम सरोआ म्यूजिकल परिवार वल्लों लख लख मुबारक लख लख वधाई है जी और अज दा उपराला जिन्हां भी सेवादारा वल्लों किया जा रहा है जी सो दाता जी दे चरणां दे विच अरदास बेनती करदे हां कि उन्हां दी सेवा दाता जी दे चरणां दे विच परवान होवे ए इलाका ए नगर दिन दूनी रात चौकनी तरक्की करे जी सो पंडाल दे विच पहुंची समूह संगतां नूं एक बार फिर अज दे इस खुशी दे मौके दियां लख लख मुबारक लख लख वधाई है जी और शुरू करन जा रहे हैं जी हेलो हेलो सो दरबार धन धन बाबा मस्त मंगल शाह जी सो सारी ही संगतां इस मौके सेवा कर रही ने जी सो सेवादार जो कि कोई लंगर की सेवा कर रहा है जी कोई पानी की सेवा कर रहा है सो दाता जी के चरणों के विच अरदास बेनती करते हैं कि उन्होंने सेवा कबूल करन जी सो साडा म्यूजिशियन परिवार बिल्कुल तैयार बर तैयार है जी शुरू करन जा रहे हैं जी सो किसी महापुरुष ने कहा कि जदों भी कोई शुभ काम शुरू करना होवे तां उस परम पिता परमेश्वर नूं याद करना बहुत जरूरी हुंदा है जी शुरुआत दे विच दाता जी दे चरणां दे विच एक छोटी जी हाजरी दो बोल सांझे करन जा रही हैं जी सो कहिंदे ने कि स्वासां दी माला टुट जाणी क्यों लम्मियां तान के रखियां ने सतगुर दी बंदगी करिया कर जिंदगी दियां डोरां कच्चियां ने दाते दा सिमरन करिया कर जिंदगी दियां डोरां कच्चियां ने बचपन तू खेड गवा दिता तेनू चढ़िया नशा जवानी दा आकड़ आकड़ तू तुरदा ऐ ते मान करे जिंदगानी दा पत्थर नू मोम बना देंदियां ए मौत हवावां तत्तियां ने दाते दा सिमरन करिया कर जिंदगी दियां डोरां कच्चियां ने तू छड परां की लैणा ऐ इस जग दियां झूठियां रस्मां तों उस रब दे घर दी जानण जो तू सिख उना कुछ खसमां तों लेखे विच ला दे रोली ना दो चार जो सावां बचियां ने दाते दा सिमरन करिया कर जिंदगी दियां डोरां कच्चियां ने चुगणा ऐ जिन्ना लिखिया ऐ चुगणा ऐ जिन्ना लिखिया ऐ ए अणजल तेरा मुक जाना मिट्टी नाल मिट्टी होना ऐ ए भांडा एक दिन फुट जाना सुखा राम राहों वाले ने दसियां ए गल्लां सच्चियां ने दाते दा सिमरन करिया कर जिंदगी दियां डोरां कच्चियां ने बाबे दा सिमरन करिया कर जिंदगी दियां डोरां कच्चियां ने हेलो हेलो सो ऐसी हाजरी दाता जी दे चरणां दे विच साडे पूरे ही म्यूजिकल परिवार वल्लों और अज इस मंथ ते बिल्कुल तुहाडे रूबरू साडे ग्रुप दे सारे ही आर्टिस्ट कलाकार बिल्कुल तैयार बर तैयार ने जी और उन्हां तों पहलां बिल्कुल मैं तुहाडे रूबरू करवाण जा रही हां पंजाब दी ओ बुलंद आवाज़ ओ इंटरनेशनल बुलंद आवाज़ जिन्हां नूं कि तुसीं अक्सर काफ़ी सारी धार्मिक कैसेट्स दे विच धार्मिक भेटां दे जरिए देखते सुनते और बहुत सारा माण सत्कार और प्यार बख्शते हो जी और उम्मीद करते हैं कि अगे भी इसी तरह ही माण सत्कार बख्शते रहोंगे जी हाँ वो बुलंद आवाज़ के मालिक जो कि हिंदुस्तान दे विच ही नहीं जिन्हों की देशों विदेशों दे विच भी जाके काफ़ी सारा मान सम्मान हासिल होया है जी हाँ वो गोल्ड मैडलिस्ट बुलंद आवाज़ बिल्कुल तुहाडे सारयां दे रूबरू करवाण जा रही हाँ और उन्हां तो उन्हां दे नाल उन्हां दे दोनों बेटे सुर सागर सरोआ जी और मनी सागर सरोआ जी बिल्कुल दरबार दे विच हाजिरी लगाने वास्ते पहुँचे हुए ने जी सो बिल्कुल कहिंदे ने कि किसी को तख्त देती है किसी को ताज देती है किसी को तख्त देती है किसी को ताज देती है बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें माँ सरस्वती श्री सुखाराम सरोवर जैसी बुलंद आवाज देती है सो बिल्कुल तुहाडी जोरदार ताड़ियां दे नाल तुहाडे रूबरू करवाण जा रही हैं पंजाब की बुलंद आवाज श्री सुखाराम सरोवर Thank you.
तुरख वाला सोने की चौकी रूपे की माला सिद्ध गंगा के वासी सोन खड़ावा पक्के मुठे बारह बरसा गुआ चारिया खावे आनना पीवे पानी सिद्ध चौकी निरपै सिद्ध परिया सिद्ध परिया सिद्ध भूतिया सिद्ध लहरिया सिद्ध मतकैरिया सिद्ध राजा गोपी चंद सिद्ध बाबा पृथ्वी तेरी कला ने आरी रक्षा करो बाबा मालकनाथ मैं आया शरण तुम्हारी मैं आया शरण तुम्हारी आओ सब तो पहला बाबा जी की आरती
गड़बा सोने दा गड़बा चांदी दी थाली विच चांदी दी थाली विच सोने दा गड़बा सोने दा गड़बा करवे च अमृत छिड़काई है आओ जी सारे बाबा जी दी आरती गाइए आओ जी सारे बाबा जी दी आरती गाइए आओ जी सारे बाबा जी दी आरती गाइए ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਈਦ ਵਾਲਾ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਈਦ ਵਾਲਾ ਚੰਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਲੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਹੁਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਾਬੇ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪੌਣ ਹਰੀ ਜੋਗੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਯੁੱਗ ਯੁੱਗ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪੌਣ ਹਰੀ ਜੋਗੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਯੁੱਗ ਯੁੱਗ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪੌਣ ਹਰੀ ਜੋਗੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਯੁੱਗ ਯੁੱਗ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ
जिथों जिथों चल के आए हो अज दे शुभ दिहाड़े दियां बहुत बहुत मुबारक शुक्रगुजार हाँ पूरी प्रबंधक कमेटी का खास तौर पर साढ़े ओंकार साउंड जिन्हें भी बदौलत दर्शन हुए ने सारिया संगतों के एक बार जोर ना ताड़िया क्योंकि इन्हों तो बिना कुछ नहीं हो सकता साड़ी आवाज तुड़ तक जो पहुँचा रहे हैं ओंकार साउंड मालपुर जिन्हें तो बड़ी अपार कृपा है बाबा जी की कुछ गल्लां बाबा जी के दरबार दियां पौना हारी सुशोभित है पौन हारी का मतलब अर्थ की है पौन का मतलब हवा आहार का मतलब खुराक हवा की खुराक ऑक्सीजन ये अगर ऑक्सीजन ना हो तो दुनिया खत्म है जिथे जिथे साह मिल रहा है साह देने वाला भी उही है और लैन वाला भी उही है सह बख्शन वाले का पौना विच वसा है किन्ने लए ते लैने ने उहदे हथ खाता है उहनूं पता है किन्ने साह बचे ने और किन्ने साह देने लैने वह है पौना हारी पौन हारी हवावां विच रहण वाला मेरा पौना हारी बाबा जी दे इक भगत दा गिला शिकवा की है पूरी दुनिया जानती है बाबा जी मोर ते सवार होए बे सुन मोरा सुन मोरा किते पुल पुल खिले आवी जोगी नू साडे वेणे साडे वेणे साडे वेणे क्यों साडा चेता नहीं आउंदा क्यों साडा चेता नहीं आता ऐसे ओनू कम केड़े वे सुन मोरा किते पुल पुल खिले आवी जोगी नू साडे वेणे नू साडे वेणे वे सुन मोरा 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 पुल पुल खिले आवी जोगी नू साडे वेणे वे सुन मोरा किते पुल पुल खिले आवी जोगी नू साडे वेणे क्यों साडा चेता नहीं आउंदा क्यों साडा चेता नहीं आउंदा ऐसे अनु कम केड़े वे सुन मोरा पुल पुल खिले आवी जोगी नू साडे वेणे वे सुन मोरा वे सुन मोरा वे सुन मोरा हारी पैदा तेरे ते चंगे कर्म ने तेरे के सुन मोरा किते पुल पुल खिले आवी जोगी नू साडे वेणे के सुन मोरा रे सुन मोरा रे सुन मोरा
ਕੀਤੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਜਮਾਵੇ ਸੰਗਮ ਸੰਤ ਬਵਾਲਿਆ ਕਿਸਮਤ ਕੈਸਾ ਨਾਸ਼ ਨਚਾਵੇ ਸਾਸੀ ਨੇ ਜੋ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਸਾਸੀ ਨੇ ਜੋ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਜੇ ਹੋ ਲਾਈ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਜੇ ਸੁਣ ਮੋਰਾ ਪੁੱਲ ਪੁੱਲ ਖਿਲਿਆ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜੇ ਸੁਣ ਮੋਰਾ ਸੁਣ ਮੋਰਾ ਮੋਰਾ ਜੇ ਸੁਣ ਮੋਰਾ ਜੇ ਸੁਣ ਮੋਰਾ ਜੇ ਸੁਣ ਮੋਰਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੌਣਾ ਹਰੀ ਤੂਣੇ ਵਾਲਾ ਬੋੜਾਂ ਵਾਲਾ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਪਰਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਚਨਚੇਤ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਕਿੱਸਾ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਕੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਥੇ ਰਗੜੀ ਜਾਈਏ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਭਗਤ ਤੰਨਾ ਜੱਟ ਜਿਹਨੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਭਰੋਸਾ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਨ ਤੇ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਨ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਤਬਾ ਆਇਆ ਹਿੱਸੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅਮਰ ਰਹਿਣਗੇ ਜਗ ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰਾ ਹੋ ਜੂ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਜਦ ਤੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰਾ ਹੋ ਜੂ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਲੈਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲ ਪਿਆਰ ਜੋਗੀ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀ ਭਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਭਗਤ ਤੰਨਾ ਜੱਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਡਿਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਨੇ ਤੰਨੇ ਜੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਚਰਾਬ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤੰਨਾ ਜੱਟ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਂ ਇੱਕ ਬਛੜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਦਲੇ
धन्ने जट ने पंडित त्रिलोचन दे नाल सौदेबाजी कर ली। आखिर विच की होया कि जिहड़ा सारी जिंदगी टलियां खड़कांदा रहा और रब दे घर च दरकारिया गया और जिन्हू रब बारे कुछ पता ही नहीं सी कि रब की हुंदा है उन्हें पत्थर दे विचों रब नू पैदा कर लिया। सो अज दा एक किस्सा भगत धन्ना जट होएगा। बहुत सारिया कमियां रह जाणगियां मैनू पता है। लाइव है जो कोई फिल्म तैयार होंगी है करोड़ों रुपया लग जाता है ता जाके एक फिल्म तैयार होंगी है। ये भी एक फिल्म की तरह चलेगा। जोड़े सीन सानू स्टेज पर दिखाने औखे हो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ना सारे पर फिर भी कोई कमी महसूस नहीं होएगी। कोशिश है सारे कलाकार एक्सपर्ट ने मैं गल कर रहा सी चाड़ के दस्ते मंगे करोड़ा कच्चिया सिदक वालिया चोरा चाड़ के दस्ते मंगे करोड़ा कच्चिया सिदक वालिया चोरा कदे मन के विचों भुलेखे इंज नी पूरिया होनिया लोड़ा बूहा जिन्ना चिर मलदा तू एक करदा ही नहीं कहना है बाबा ता कुछ करता ही नहीं फिर कहना है बाबा ता कुछ करता ही नहीं फिर कहना है बाबा ता कुछ करता ही नहीं बाबा ता कुछ करता ही नहीं। लालच नहीं होना चाहिए मन दे विच सेवा निष्काम होके करनी चाहिए है। मैं को सुझा नहीं दे रहा बेनती कर रहा महापुरुष दसते ने एक बीबी गुआंढी वाल वेख के सड़ी जा रही है। कहती एक बंदा किसी वेले किराए के मकान से रहता सी अज ये कोल कोठी भी है गड्डी भी है जमीन जायदाद भी है और सारा टब्बर कनेडा चला गया है अमेरिका चला गया। एक बीबी नित सड़ती सी गुआंढी दी देख तरक्की इन्हां दे घर विच ठंडियां गड्डियां साडे घर ना पक्की मंजले साथी छतना पाले करके जादू टूना कहती पा दिया सब दे छाले एक दिन उसने गुआंढी नु सी पुछिया कोल बुला के आहोगी कि जित रखी तेरी दस मैनू समझा के कहता बीबी एवं तरक्की नहीं हुई गर्मियों के दिन सन एक साधु संत मेरे घर में आए ठंडे पानी में स्नान करवाया है मक्की की रोटी सरों का साग खिलाया है और ठंडी लस्सी का गिलास पिलाया बर्फ पा के कोल बैठ के पक्की नाल झल मारी है। संतां ने कृपा कर दिती बस दिन बदल गए ने हुण बीबी के मन में लालच पैदा हो गया है। बीबी कहती समझ गई मैं ए केड़ा कम औखा मैं भी फड़ के कुछ साध ले आवां ए यो नुकता सौखा ओ कहती इन्हें पक्षी नाल झल मारी है मैं हड़प्पा पक्खा ला देंगी इन्हें लस्सी का एक गिलास पिलाया मैं चार पिलावांगी ठंडे पानी की कड़ी गल है बर्फ पा के ठंडे पानी में स्नान कराऊं बाबा चेते रखूं मक्की की रोटी सरों का साग वो साढ़े घर बनया रहा। लो जी जून महीना खत्म हो गया और दिसंबर शुरू हो गया लोकी रजाइया लैके सुते पे ने और बीबी गली च घूम के देख रही है कोई बाबा आवे उन्हू फड़ के ठंडे पानी में नहावा उसकी चंगी तरह सेवा करा गर्मी के दिन लंघे रिहा ना ठंड का कोई टिकाणा तुरिया जावे राह अपने एक साधु किरत सियाणा लालच बस पी माई ने जल देखिया नजर घुमा के फड़ लिया बाहो साध मारिया टोकरा परा मगा के ठंड दे मारे साध बेचारा लगा पौन दुहाई करके खिच कुड़ी इस बाबे दी घर अपने लै आई
कपड़े बाबा बैठ फर्श दे उत्ते ठंडे जली स्नान करावा तेनू ठंड दी रुते नागर बीबी धक्के शाही मैं हां ठंड दा थरिया ठंड दे मारे पहली मैनू ताप बथेरा चढ़िया चुप कर बाबा बोलना बाबा नहीं सुनी को अर्जी सेवा बिच को कमी ना रह जाए मैं करनी अपनी मर्जी तैनू याद आ गया कि उन्हें पक्षी नाल चल मारी सी जिद अपने ते अड़की माई करके बीबी धक्का ठंडे जल इशनान करा के चुक लिया ही पखा घूर घूर के माई तरले पादा साथ बचारा दे दियो एक रियाई ओ कहती हजार रियाई नहीं मिलनी खा मक्की दी रोटी लाया साग सरों नू तड़का अपी लस्सी दा डोंगा नी दे दर्द खड़का तड़का बाबा मन के रब दे पाने ना कंबल ना खेसी कोई पखा चले सराहे तन मन दे नाल बाबा तेरी करती मैं सेवा आ चुक गरीबी मेरी मैनू दे सेवा दा मेवा मारे बाबे दासी सा कंडी विच रुकिया लालच बस भी माई ने ओ बाबा ही चक सुटिया फिर कहना है बाबा ता कुछ कर दई नी फिर कहना है बाबा ता कुछ कर दई नी फिर कहना है बाबा ता कुछ कर दई नी ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੀਬੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਔਰ ਜਕਾਰਾ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜਕਾਰਾ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਲਓ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਮਾਪਤ पेश करने जा रहे ने सुखा राम सरोवर कला मंच से वो थिएटर कलाकार जिन्होंने बहुत सारिया फिल्मों च काम किया है किस्सा भगत धन्ना जट किस्सा भगत धन्ना जट जट अरे आज का विषय है भगती विश्वास के नाल ही परमात्मा नूं पाया जा सकता है पत्थर विच भी रब हुंदा है पेश है किस्सा भगत धन्ना जट धन्ना जट अज दे घर विच सरों दा साग ते मक्की दी रोटी दी खुशबू आ रही है लाली पुत्र
साग चंगी तरह घोट लई मिर्चा जरा घट पावी मेरी सेहत जी ठीक नहीं रही। पैरी पैनी है चाचा जी। राजी रहा पुत्रा जी रहा। चाचा जी थके आयो आलो थोड़ा जा पानी पी लो। लिया पुत लिया। जींदी रे पुत तेरी वड्डी उम्र होवे बहू कन्ना मैनू नजर नहीं आउंदा किथे गया है। चाचा जी वो भी खेतां चों आंदे ही होणगे मैं भी उन्हां नूं ही डीकदी पई सी आ जाण ते आके आपां सारे कट्ठे बह के रोटी खावांगे। ठीक है बहू। ओ धनिया आवे जल्दी आ की करदा है। ओ आ गया चाचा आवे आ। पैरी पन्ना चाचा। जींदा रहे पुत जींदा रहे राजी हो तेरी वड्डी उम्र बे पुत्रा धनिया तू इदा करना बे गल सुन मेरी पशुआं नू पानी पिला देना ते कताबा कर देना ते मैं चलिया खेतां नू पठियां दी पंड लै आवां ते आके रोटी खावांगा। चंगा चाचा। वाह वाह अज ते मक्की दी रोटी सरों दा साग बन रहा है। ओ की कर रही है साडी लाली भैण। हां जी वीर जी मैं तुहाडे वास्ते सरों दा साग ते मक्की दी रोटी बना रही हां। हा 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 ले पा रोटी दे। ठीक है वीर जी। तू की सोची जांदी है भगवान। मैं क्या जी मैं ये सोचदी सी हां कि तुसी सारा सारा दिन किन्नी मेहनत करदे हो खेतां दे विच हल भी चलांदे हो ते घर दे कम्मां दे विच भी हाथ बटांदे हो मैं तुहानू कदी भी सुख दी नींद सौंदे नहीं वेख्या फिर भी कर्जे दी पंड दा बोझ साडे सिर ते जिउंदा त्यों खड़ा है। लाली भी जवान हो गई है व्याह दे काबिल हो गई है सोचदी हां कि की होएगा। ओ कुछ नहीं होएगा। तू फिक्र ना कर भगवान इस बार हाड़ की कटाई से मैं अपनी भैन लाली का विआह कर ही देना है ते नाले मेहनत का फल बड़ा मिठा होता है ऐ बंजर जमीन आबाद करके दम लवेंगे बीजांगे वड्डांगे एक ना एक दिन मैं अपनी भैन का विआह बड़े चावां नाल करांगा। हुण की सोची जानी है सोच सोचिया सोची पईए दिन कीते कुछ की कर लिए कुछ की कर लिए सोच सोचिया सोची पईए सोची पईए दिन कीते कुछ की कर लिए हर पौडे कदम टका कि पौड़ी झड़नी पैंदी है फल लगते मेहनत करनी पैंदी है सुपने होन सरकार ते अमरी पीक पवे सतरंगी खेलिया बैब सुपने लिए ये भी गल नहीं चंगी सुपने होन सरकार ते अमरी पीक पवे सतरंगी ये मौत दी बाजी चुटनी ता जिंदगी हरनी पैंदी है
ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਵੇ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਵੇ ਭਗਵਾਨੇ ਲਿਆ ਬਾਲਟੀ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰਲੋਚਨ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਠਾਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਚਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈਏ ਬਿਨ ਰੁਕਿਆ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਵੇ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਵੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਬੂਤੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਪਸੀਨਾ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ ਖਾਰ ਦੀਏ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਲਈ ਸੁੱਖਿਆ ਕਲਮ ਹੱਥ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਨਾਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਉਹ ਹਾਂ ਤੱਲਿਆ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਨਾਗਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਗਾ ਕਰਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆ ਫੜ ਫੜ ਪਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਾਚੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਰਮਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾ ਚਾਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ ਪਾ ਦੇ ਪਾ ਦੇ ਉਹ ਤੱਲਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾ ਦੇ ਪਾ ਲੈ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਧੰਨਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਈਦਾ ਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਲਾਈਦਾ ਧਰਮਧਰ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹ ਚਾਚੀ ਆ ਗਈ ਭਰਾਵਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪਟਾਕਾ ਚਾਚੀ ਆ ਗਈ ਚਾਚੀ ਭੱਜ ਲੈ ਅੱਛਾ ਐ ਕਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚਾਚੀ ਉਹ ਪੜਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹੜ ਵਗਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆ ਦੁੱਧ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪੜਦ ਨੂੰ ਪਾਤਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਰਤਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੀ ਆ ਚਾਚੀ ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਮੋੜ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਚੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਧੰਨੇ ਮਗਰ ਛੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਈਆਂ ਵਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਿਤ ਤਰਲੋਚਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬਸ ਚਾਚੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜ ਪਈ ਹੈ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਚੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਪ ਦੇ ਤੰਦੂਰ ਮੰਗ ਧੁੱਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ
गल सुनो तुसी इनू समझाना ता की आ तुसी होर आगे इनू उपर नू चढ़ी जाने इनू कह नहीं हुंदा कि दुध किसे नू पंडित नू ना पाया करे नवाब दी धी वड्डी आई आ सारा दिन खा खा के झोटे वांग अफरी पई है ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਗਾ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਾ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਧੌਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਕਿਦੇ ਯਾਨੀ ਚੱਕ ਹੋਇਓ ਬਹੁਤ ਤੂੰ ਧੰਨੇ ਮਗਲੇ ਪਈਓ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਲਲੂ ਪਤਾ ਗਿਆ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀਆਂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਕੁਛ ਦੱਸਦੀ ਨੰਗੇ ਭੁੱਖੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਤੋਂ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਬੋਲਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਬੋਲਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲੀ ਘੁੱਗੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਖਚਰੇ ਕਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਖਚਰਾ ਕਾਂ ਦੱਸਦੀ ਆ ਖਚਰਾ ਕਾਂ ਬਿੱਠ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਕੱਢਦਾ ਆ ਅੱਛਾ ਬਿੱਠਾ ਹੀ ਕਰਨ ਜੱਗਾ ਵੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਬਿੱਠਾ ਦਾ ਆ ਜਾ ਉਹ ਚਾਚਾ ਬਿੱਠਾ ਬਿੱਠਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਚਲੀ ਫੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਰਾ ਚਲੀ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਗੋਤਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਧਰਿਆ ਬਿੱਠਾ ਕਰਨ ਜੋ ਕਹੀਂ ਬਸ ਹੋਰ ਕਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਾਚੀ ਜੀ ਛੱਡੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਿਆਂ ਲੈ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਹੈ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘਟੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਪੁੱਛਣ ਆ ਗਈ ਚੱਲ ਮਾਰ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾਚੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਦੇਖੋ ਤੂੰ ਧੰਨੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੁਸਰ ਪੁਸਰ ਕੁਸਰ ਪੁਸਰ ਕੁਸਰ ਪੁਸਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਏ ਭੂਆ ਏ ਭੂਆ ਤੇਰਾ ਫੁੱਟ ਜੇ ਟੂਆ ਤੂੰ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚੂਆ ਫੁੱਫੜ ਉਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਦੂਆ ਏ ਭੂਆ 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 ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਲਾਇਆ ਕਰਾ ਦੇ ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੁਪਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈ ਹਾਏ ਭੂਆ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਝੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪੁੱਤ ਲਾਲੀ ਨਾਲੇ ਹੋ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੋਲ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੜ ਦੀ ਪੜੈ ਪੜੈ ਕਰਾਈ ਫਿਰਦੀ ਫਿਕਰ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਝੰਡੂਆ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਲਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਸ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਬਟਵਾਰਾ 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 ਭੂਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਲੱਗੀ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਭੂਆ ਤੇਰੇ ਕਗਰੀ ਚ ਵੜ ਜੇ ਚੂਹਾ ਲਾਲੀ ਇਹ ਭੂਆ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹਾਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਾਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮਲੇ ਜਿਹੇ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੱਥਾ ਜਨ ਝਾੜੋ ਲੱਥਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਕਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡੀ ਲਾਲੀ ਦੇ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਲਾਲੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਇਸ ਕਮਲੇ ਜਿਹੇ ਕਾਲੂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੀ ਚਲਾ ਥੈਂਕ ਯੂ
जड़ी सामने बंजर जमीन पई रहती है वो कहते ये भी हल हुल बंद ये जिद ना कर जिद करनी ठीक नहीं होंगी अच्छा ए जमीन बंजर आ ए नहीं बनी ते ना बनेगी तो चाचा आप कदे कोशिश भी नहीं की थी ना बड़ी कोशिश की थी साडे बुजुर्गां ने तू दे छोटा जिहा हुंदा सी साडे बुजुर्गां ने बड़ी बाल आई है जमीन आबाद करन नू ए जमीन विच बड़े हल तोड़े पर ए ना बनी ते ना बनेगी कन्या ए जमीन बंजर या बंजर चाचा याद रखी एक दिन मैं इस बंजर जमीन विच फसल उगा के रवांगा ओ धनिया एनी जिद करनी चंगी नहीं हुंदी अच्छा जला चली है चल छोड़ आया आलू ले लो गोभी ले लो टिंडे ले लो गाजरा ले लो ताजिया मूलियां ले लो प्याज ले लो सब्जी ले लो आलू ले लो ओ कालू हाँ वो कोई सब्जी दे जा लैला जड़ी लेनी अच्छा सब्जी सुब्जी दे नाल कोई ए अपने फ्रूट भी रखिया 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 अच्छा बे मेनू इतना कर हाँ दस बे केले किदा लाए आ सीधे करके हैं ओ सिद्धे करके आहो ते मेनू कितना देने हैं छिल के चल दे फिर एक छिल के पैसे काट पहले ओ यार पैसे पैसे तो है नहीं छिलिया छिलाया के लाइट रख 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 दे कालू फिर तेरे को बैंगन है फिर मैंने बैंगन दे दे बैंगन दे देने पर मैं बैंगन तेरे को काट के लेने या ओ काती ओ बेच काने हुंदे या कोई पोले ना हो ना अच्छा अच्छा हाँ काट के दे फड़ बैंगन फड़ पैसे तो कट पैसे ओ यार पैसे तो है नहीं गोलमाल राम दा खराब कर गया मेरा गोलमाल गोलमाल कंजरा खराब कर गया मेरा गोलमाल गोलमाल कंजरा खराब कर गया मेरा गोलमाल आ तेरा मैं गोलमोल दा खराब करता तू एदा कर फिर केले पड़वाई जंदा हैं बैंगन छलाई जंदा मैं तू कुछ लेना होए मैं तो ओ एदा कर फिर हाँ। तेरे को भिंडी है की भिंडी भिंडी ना नहीं लेस बो मार दी है हां भिंडी ना नहीं बो मार दी है नर जा तू नर जा ओ नहीं मेरी एक गल सुन ला हां जे बाला मुंह मारन लगे है ना हां आ खीरा देख का हां आ खीरा हैगा ना तेरे को हैगा या ए चक के तेरे मुंह च दे दऊं ਕਹਿੰਦਾ ਖੀਰਾ ਮੂੰਹ ਚ ਦੇ ਦੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਨਰ ਜਾ ਤੂੰ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਏ ਆਲੂ ਲੈ ਲੋ ਗੋਭੀ ਲੈ ਲੋ ਗਾਜਰ ਲੈ ਲੋ ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਲੋ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਲੈ ਲੋ ਖੁੱਲੀ ਗੋਭੀ ਲੈ ਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਲੋ ਕੱਲੂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਪੜਤਾ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਦੁੱਧ ਪਾਲੇ ਦੁੱਧ ਆ ਦੁੱਧ ਪਾਲੇ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਿਣ ਕੇ ਦਊਂਗਾ ਜਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਪੋਲਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਪੜਤਾ ਇਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਾਲੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਦੁੱਧ ਲਿਆਂਦਾ ਠਾਕਰਾਬਾਦ ਦੇ ਬੇਦਾ ਖਾਲੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਫੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂੰ ਉਹ ਕਾਲੂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਫੜ ਦੁੱਧ ਪਵਾ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇ ਲਾ ਭਰ ਦਿਓ ਪਤੀ ਦੇਵ ਹਾਏ ਭਰ ਦਿਓ ਭਰ ਦਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੂ ਮੈਂ ਮਾ ਕਾ ਭਰ ਦਿਓ ਔਰ ਪੂਰਾ ਭਰ ਦਿਓ ਉਹ ਕਾਲੂ ਉਹ ਭਰ ਤਾ ਮੈਂ ਦਵਾ ਭਰ ਤੂੰ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਭਰ ਦਿਓ ਫੜ ਕੱਢ ਦੇ ਲਾ ਹਾਂ ਮੰਗਦਾ ਤੇਲਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਲਾ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਰੀਲਾ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਚਿੱਤਰੀ ਵਾਲਾ ਕੇਲਾ ਆ ਫੜ ਤੇਲਾ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਚੱਲ ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨੜ ਖੜ ਜਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਕੰਮ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹਾਂ
ਇੱਧਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਬਲੜ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧੇਲਾ ਗੜ ਧੇਲਾ ਆ ਧੇਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਅੜਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਝ ਗੋਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆ ਫੜ ਧੇਲਾ ਫੜ ਫੜਾ ਧੇਲਾ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਊ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕਰਾ ਦੇ ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹਾਏ ਲਾਲੀ ਨੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲੂ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਲਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆ ਸ਼ਨੀ ਭਾਰੀ ਆ ਮੰਗਲ ਭਾਰੀ ਆ ਤਾਰਾ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਏ ਤੇਰਾ ਲਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੜਤਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮਾਰ ਰੇਖ ਚ ਮੇਖ ਤੇ ਕੱਢ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਲੈਨੇ ਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭਾਰੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ चल ऐदा कर फिर मैं तेनू समगरी दा समान लिखाउना ओह लिख ला याद रखी एक बसेरी आटा एक बसेरी आटा एक बसेरी चौल एक बसेरी चौल एक बसेरी घ्यो एक बसेरी घ्यो एक बसेरी गुड़ एक बसेरी गुड़ ते होर तेरे घर दे विच जिन्नियां भी हरियां सब्जियां खाण पीण वाला जिन्ना भी समान है सारा चक के मेरे घर ले आ ते तेरी इस समस्या दा हल असी कर देवांगे धर्म नाल राधे कृष्ण बच्चा ये किहड़ी गल है आजी मैं तेनू डीकदा घर दे विच जा जा पड़ता जा इन्ना राशन खा के तो मज भी चढ़ाई कर जाए धन का पंडित पता नहीं किदा पचांदा हो हगन लगा भी दो घंटे लांदा हो हाए पंडता इन्ना राशन लाली हाए लाली तेरा कौन बनूगा बाली तू फुल ते मैं तेरा माली हाए लाली हाए ओ होका देना ही भुल गया आलू ले लो
शामू जा, मैं तेरे नाल नहीं बोलना, इन्नी देर नाल आए ना लालिए इंज ना आख। मैं तो तेनू मिलन तो बहुत ही उदावला रहना वा, पर की करा बापू, बापू तो मेरे हमेशा ही मैं पुछता रहता है कि तू दुए तीए दिन मासी के पिंड की करूं जाना है। चंगा होया बापू ने तेरी खूब ठप्पी। ले तू तो हमेशा मेरा मजाक उड़ानी रहनी है, मेरी गल सुन, ये गल तो होंदिया रहनगियां, पर मैं तेरे वास्ते कुछ लेके आया हाँ। अच्छा की लेके आया मेरे वास्ते? तू बुझ दसना। दसना की है? तेनू दिखाई देना कड़ के। आ देख लालिए, मैं तेरे वास्ते कंगी लेके आया। कंगी? जे किते चाची ने एक कंगी वेख ली ना, ऐसी कंगी ना तेरी बोती पुट दू। लालिए मैनू जे तेरे प्यार दे विच गंजा भी होना पवे तो मैं हो जावांगा। वे जे गंजा हो गया ते कां तेरे ठुंगे मारे करनगे। नाने लियाने मीज स्लिपा मारया करूंगा, तिलक तिलक जाया करूंगा, तिलक तिलक। हाय लाली, हाय लाली, लाली। वे तू की करना आया थे? आ बिजू जा की करदा थी इथे? हैं तै की लेना मेरे प्यार च किदा बड़िया है? हैं तू इहदे नाल की करदी सी? मैं देख लिया तुसी लगे थी चोरी 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 आऊं आऊं करदे सी। हैं दादा मैं चाची नूं कोई नहीं। वे दस दे हां तैनू पता है मैं जाके वीर जी नाल गल कर देनी। लाली गल सुन मेरी, ਪੁਰਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੋ ਵੇ। ਦੱਸ। ਹਾਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਵੇ। ਦੱਸ ਕੋਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਜਾ, ਹੋਰ ਹੋਰ ਆ ਜਾ, ਹਾਈ ਕੋਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾ, ਹੋਰ ਹੋ ਜਾ। ਹਾਈ ਲਾਲੀ ਕਰਾੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ, ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ ਕਰਾੜਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੀ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ। ਏ ਕੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਲਾਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਰ ਦੇ ਮੇਰਾ ਪਨਿਆਲਾ ਚਾਲੂ, ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਆ। मेरे पुत नु मार सुटिया, मेरे पुत नु मार सुटिया नी, मेरा पुत मार सुटिया। ए हुण ही अपने होने वाले खाजम नु तू कुटी जानी है नी, तू बाद विच की करूंगी नी, आया मेरे पुत नु मार सुटिया। ओ तो नहीं चाची, कुड़ी मगर डंडा लगे पियों की गलिया। आ देख लो जी, ए इत्थे नाल वाले पिंड दा जेड़ा छामू मुंडा आ ओदे नाल प्यार दिया पींगा पाउंदी सी। ओ क्यों बहना विच पई रहनी है? अच्छा लो कर लो गल। अब बिगड़िया जिया कान खोल के सुन ले, जे मेरी भैन वाला अख चुके वेख्या ही ना ता डेला कढ़ के कान च पा देगा। सुने ना तनिया डेला ना कड्डी, डेला कड्डन ना मेरी सारी लैनमेंट खराब हो जानी। कड्डनी ता ओ चीज कढ़ जिथे रू भी रख हो जाए। ओ तो नहीं चाची गल सुन लो मेरी। हाँ जी दसो। और कुड़ी दी कुड़ी मगर डंडा लेके पई आवां, कुड़ी नु कुट्टन लगी आवां, तियां दी बददुआ लग जांदी है। अच्छा लो कर लो गल, तियां दी बददुआ लग जांदी है। तियां ए तितलियां नु उड़दियां फिरदियां। ले कर लो मेरी तन्ना, ठीक ही कहंदा है, किसे साडी लाली ते किसे तेरा बिगड़ जा भतीजा। सोने वर्गा पुत्त है मेरा। चाची कान खोल के सुन ले, जिथे मेरे प्यो ने मेरी भैन का रिश्ता तय किया ना, मैं अपनी भैन का भी उथे करांगा। मेरे मां बाप तो नहीं रहे, तुहानू भी अपने मां बाप समझे, पर तुसी मेरे नाल फर्क करन लग गए। ਤਨਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? लाली का ब्याह तो मेरे पुत दे नाल ही होगा। मैनू रिश्ता मंजूर नहीं। तो फिर एक गल होर सुन ला, जे तेनू ये रिश्ता मंजूर नहीं तो इस घर दे विचो तू अड हो जा, बटवारा कर ले, ते हुण होगा बटवारा बटवारा ते बटवारा। मेरी मर्जी भी चलनी, तेरी कली दी नहीं चलनी है।
ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਟੰਗ ਅੜਾਈ ਜਾਈਦੀ ਘਰ ਦੇ ਪਟਵਾਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਾਂ ਲੋ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਚੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਆ ਤਲੋਚਨ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਹਾਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਧੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ चलो जी चलिए ऐसी उलझ गई ताड़ी रिश्ते खून के बढ़ गए पानी ऐसी उलझ गई ताड़ी छुट्टे की छत चबारे दी वो घर बच लगा पै चली अज कंध बटवारे दी वो घर बच लगा पै चली अज कंध बटवारे दी बंजर जमीन आऊगी धन्ने दे हिस्से नवा घर आऊ तेरे हिस्से ते पुराना घर आऊगा धन्ने दे हिस्से धर्म नाल राधे कृष्ण बस बीबी तू अपने घर वाले नु समझा दई जेड़े ठीक रहा मैं कहा ओही चके ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਤੇਰੀ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਧੰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਿ
तन्ना मजबूर हो के अपनी लाली का विआह साडे कालू ना करन लई तैयार हो जावे, नहीं तो ओनू हुण पता लगू चाची ना मत्था लाउण दा नतीजा की हुंदा ते किन्नी भी हिस्सा हुंदा। कोई नहीं बीबी तू जा, सारा फैसला मैं आपे ही देख लूं। इत्तफाक जही कोई रीस ना लपो हो एदी सांझ टुटण ना दईए, पांच उंगलां तो एक मुठ बनदी हो एदा जोर परख कदे लईए, हो कल्ला कहे सुरास दियां संता कहण चुना दियां पक्कियां, कल्ला कहे सुरास दियां संता कहण चुना दियां पक्कियां, हो टुटदी सांझ प्यारे दी घर विच लगे पै चली अज कंध बटवार दी, हो घर विच लगे पै चली अज कंध बटवार दी, हो घर विच लगे पै चली अज कंध बटवार दी। अज भी पिंड ते पिंड दी सारी पंचायत अज धन्ने ते घसीटा राम दे घर बैठी आ। अज ए बटवारे दा करो ठीक जर लवी, अज जेड़ा बटवारा करना ना ए अज धन्ने दा ते घसीटा राम दा। ए पंडित जी ए सारे अगे जेड़े पिंड विच फैसले कीते आ ए सारे तुसी कीते आ। हां जी हां जी सरपंच साहब, अज भी तैनूं सारा ही फैसला तेरे हाथ दे देना है। अज भी फैसला असी करांगे, धर्म नाल राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तुसी फिकर ना करो सरपंच जी, अगे जिन्ने भी फैसले होए आ ओहदे विच कोई गड़बड़ होई आ, अज भी फैसला है पूरा ही होगा, फिकर ना करो फिकर ना करो, धर्म नाल राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ए पंडित जी बड़े वधिया फैसले कीते आ, अज तैनूं सारे पिंड वालों जा तू फैसला कर दे धन्ने दा ते घसीटा राम दा, सही सही फैसला कर दे। अच्छा ठीक है सरपंच साहब, जे तुहाडी सारी पंचायत दी ते पिंड वाले दी यही मर्जी है ते फैसला आपां हुणे ही कर दिंदे आ, धर्म नाल राधे कृष्ण। लो सरपंच साहब, शरा दे मुताबक घर दे विच जिहड़ा वड्डा जी है पहला ठीक रहा उही चक्केगा, धर्म नाल राधे कृष्ण। आ जाओ जी आ जाओ, घसीटा राम जी चको ठीक रहा। हाँ पंडित जी ए बड़िया दा हक बनता है, चल बे कसीटा सीटा रामा। हाँ भाई हाँ, ए हक तेरा मैं चकदा आ, साडा फुफड़ चक्कू ठीक रहा, चक ला फुफड़ा सिप्पी अरगा मुंह लेके रुक जा, चक ला रुक जा मैं क्या जी, थानू तो बुखार चढ़िया सी, सिर दुखदा थोड़ा सिर भी दुखदा सी, ए फैसले जेड़े हैगे आ बड़े ठंडे मते नाल लेने पैंदे आ, मैं कहा जी तुसी आराम नाल बैठो ठीक रहा मैं आपे ही चक लूंगी। आ सही कहंदी बीबी, जे घसीटा राम दी सेहत नहीं ठीक तां ओहदे घरों ओ ठीक रहा चक सकदी ए। बंदे जी हां कुड़ी ठीक रहा चक सकदी आ। आजा आजा बीबी आजा, बठाता ना भूआ ने फुफड़ नूं मूत दी झग वांगू, बैजा फुफड़ दा सिर दा चकला ठीक रे चकना केड़ा गाडर चकन लगी आ, भूआ ने तां वड्डे वड्डे बंदे चक दित्ते ए तां है ही ठीक रे। लो सरपंच साहब हुण धन्ने दी वारी ए, आ वे धन्या देखदे आ रब ने तेरी किस्मत दे विच की लिखया ए, धर्म नाल राधे कृष्ण आ चक ठीक रे। आ जा चल वे धन्या हुण तेरी वारी आ, तू चक सीख ला। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਬਸ ਬਸ ਲੱਗੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਬਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਰੇ ਡਾਰੇ ਬੇਲਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਘਸੀਟਾ ਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਬੇਲਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਧੰਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਨਵਾਂ ਘਰ ਤੇ ਦੋ ਗਾਵਾਂ ਘਸੀਟਾ ਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ,
पुराना घर ते इक गां धन्ने दा हिस्सा बाकी सारा अद्धो अद्ध लो भाई हो गया फैसला धर्म नाल राधे कृष्ण राधे पड़ता हां फैसला करो लेके ले आए पुराना घर मेरे हिस्से नवा घर चाची हिस्से अब्बल जमीन सारी चाची हिस्से ते बंजर जमीन जिथे कुछ उग ही नहीं सकता वो मेरे से एक अहम फैसला पड़ता और तन्या जद्दी पुष्टि पंडता पत्री वाचना तेरे बंगू सारा दिन खेता दे विच हाल नहीं चला दे धर्म नाल राधे कृष्ण नाले जिड़ा तीन लोकां दी खबर रखे वही सच्चा पंडित होता है हुण सारे अपने अपने घर नूं जाओ हो गया फैसला ए पंडित जी क्या फैसला है बंजर जमीन पुराना घर और सारी अब्बल जमीन चाची ने ऐसे कर दी छो जी जो फैसला ही हो गया फिर अपना बन गया था चलो 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 चलिए हो गया फैसला चलो अपने हिस्से धन्ने गां दिंदा धन्ने सारी बंजर जमीन मेरे हिस्से की बीजांगे की बढ़ांगे की खावांगे पुराना घर मेरे हिस्से नवा घर चाची हिस्से दो बैलों की जोड़ी एक बैल बीमार रहिंदा है दूजे बैल नाल किवें खेतीबाड़ी होएगी की होएगा ओए बोल ला कुछ पैणिया जा मेरे कोल इधर जा फैसला सही नहीं किया सारी चलाकी तरलोचन पंडित चाची दी है सब आपस में रले हुए ने सानू की दिता असी की बीजांगे की बटांगे बंजर जमीन दे विच की होएगा लोकी कहते ने कि बंजर जमीन कदे खेत नहीं बन सकती और असी की करांगे सुने मां मां होंदी मां बाप जो चले जान चाचिया ताइया सब तमाशा देखने वाली होंगी सच कहा जी तुसी मां मां ही होंदी है चाची चाची सब कुछ लुट के ले गए साडा कुछ भी नहीं छड्डिया रो ना सियाने कहते हैं कि मेहनत का फल बड़ा मिठा होता है देखी एक ना एक दिन मैं इस बंजर जमीन नू आवाद करके दम लवांगा भेलिया बैव सुपने लिए यह भी गल नहीं चंगी सुपने होन सकार ते अंबरी पीक पवे सतरंगी सुपने लिए भी गल नहीं चंगी सुपने होन सरकार ते अमरी पीक पवे सतरंगी के मौत दी बाजी चुंचनी ना जिंदगी हरनी पैंदी है एनी भल लगदे जी मेहनत करनी पैंदी है ਕਦੇ ਖਰਦਾ ਪਾਈਏ ਲੱਖ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ
खून पसीना करके पत्थर खार दिए बिच पानी खरनाक दे खरदा पाइए लख पत्थरां दे पानी खून पसीना करके पत्थर खार दिए बिच पानी इतिहास रच लई सुखिया कलम हथ फरनी पैंदी ऐ बैलां दी जोड़ी दे सहारे बंजर जमीन नूं आबाद करके रवांगा जड़ी मैनू पता तन्या तू बड़ा जिद्दी जाटा तैं ऐदा नहीं करना तैं इस बंजर जमीन नू आबाद करके ही सा लेना पर करूंगा किवें जे ए बैल बचणगे तां ना बैल तां मरणगे मरणगे ते मरणगे